रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 18वें सत्र में। हम चर्चा प्रारंभ किए हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। थोड़ा सा सारांश, पहले दो अध्याय संपूर्ण शेष लीला का सारांश रूप में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, समरी दी है। उसके पश्चात तीसरे अध्याय में महाप्रभु अद्वैताचार्य इनके घर, चौथे अध्याय में महाप्रभु वहाँ से जगन्नाथपुरी के दिशा में प्रस्थान करते हैं अपने पार्षदों के साथ, और वहाँ पर खीरचोर गोपीनाथ, गोपाल जी का प्राकट्य और माधवेंद्रपुरी की महानता, इनका वर्णन हमने देखा चौथे अध्याय में। पांचवें अध्याय में साक्षी गोपाल इनका वर्णन, छठे अध्याय में सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार, सातवें अध्याय में महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा प्रारंभ होना और वासुदेव का उद्धार, आठवें अध्याय में रामानंद राय इनका संवाद, नवें अध्याय में संपूर्ण दक्षिण भारत का महाप्रभु का भ्रमण और पुनः जगन्नाथपुरी वापस आना, दसवें अध्याय में सारे भक्तों का महाप्रभु से मिलना, ग्यारहवें अध्याय में बंगाल के भी भक्त महाप्रभु से आके मिलना और बेड़ा संकीर्तन, बारहवें अध्याय में गुंडीचा मंदिर मार्जन, चौदहवें अध्याय में कल हमने जो चर्चा की चूँकि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, और किस प्रकार से हमने देखा कि महाप्रभु ने इस प्रकार से नृत्य वहाँ पर प्रारंभ किया और राधारानी के भाव में वो आस्वादन कर रहे थे संपूर्ण रथ यात्रा का, मानो जो राधारानी और गोपियाँ जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र से भगवान कृष्ण को वृंदावन की ओर ले जाना चाहती थी उसी भाव में महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, और राधारानी के भाव में कुछ श्लोकों का भी वो उच्चारण करते हैं। स्वरूप दामोदर केवल वहाँ पे समझ पाए और कोई वहाँ पर नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से जो है वो 14वां अध्याय जगन्नाथ यात्रा और चैतन्य महाप्रभु का भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य, और फिर 15वां अध्याय कल हमने चर्चा की हीरा पंचमी महोत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत पश्चात जो 5वां दिन होता है उसमें हीरा पंचमी महोत्सव मनाया जाता है। ये महोत्सव वास्तव में ये है कि लक्ष्मी जी वो क्रुद्ध हो जाती है क्योंकि उन्हें छोड़ के जगन्नाथ जी वृंदावन चले गए हैं, तो वो बहुत मधुरता से वो पास्ट टाइम हमने चर्चा किया। और जो स्वरूप दामोदर है वो अन्य मान लीलाओं का भी वर्णन महाप्रभु को कराते हैं, और महाप्रभु वो सब वृंदावन की मान लीलाओं का वर्णन उनसे सुनते हैं, फिर राधारानी के भाव अलग अलग किस प्रकार से वो प्रकट करके कृष्ण को आनंदित करती है, वो सब चर्चा उस अध्याय में होती है। और इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने निजी सारे भक्तों के साथ रह रहे हैं, और आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं
अध्याय 15, यहाँ पर सारे बंगाल के भक्त वापस जाएंगे, उनको विदाई देते हैं महाप्रभु, उन भक्तों का गुणगान और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे महाप्रभु का प्रसाद लेना और उनके जामाता अमोघ इसका उद्धार करना, ये इस अध्याय का शीर्षक है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। एमत महाप्रभु भक्तगण संगे, नीला चले रही करे नृत्य गीत रंगे। इस प्रकार से अपने सारे भक्तों के संग में महाप्रभु रहते थे और नृत्य और गीत और कई सारे महोत्सव इस प्रकार से हुआ करते थे। कविराज गोस्वामी महाप्रभु का दैनंदिन कार्यक्रम, नित्य कर्म, वो भी बताते कि किस प्रकार से हुआ करता था। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाते थे, उसके पश्चात जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे स्नान आदि के पश्चात, और वहाँ पर दर्शन, कीर्तन, नृत्य और जगन्नाथ जी का स्तवन वो किया करते थे, और उसके पश्चात उपल भोग लगने के पश्चात महाप्रभु वहाँ से पुनः वापस बाहर पड़ते थे मंदिर से। बाहर अपने घर जाने से पहले महाप्रभु हरिदास ठाकुर इनसे मिलते थे, उन्हें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए जो स्वयं जगन्नाथ है, जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, स्वयं जगन्नाथ भगवान महाप्रभु के रूप में हरिदास ठाकुर इनको दर्शन देते थे, उन्हें प्रसाद देते थे और वहाँ से फिर घर पर आया करते थे, और उसके पश्चात कई सारे भक्त उन्हें जो है वो प्रसाद के लिए निमंत्रण देते थे, क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से राजा ने बहुत सुंदर व्यवस्था बना के रखी थी। बंगाल से भी जो भक्त आया करते थे वहाँ पर भी उनके घरों में जाकर महाप्रभु प्रसाद लिया करते थे, और उसके पूर्व अद्वैताचार्य महाप्रभु के घर में आया करते थे, उनका पूजन करते थे, महाप्रभु भी उन्हें आदर आतिथ्य दिया करते थे। इस प्रकार से 4 महीने तक बंगाल के आए हुए भक्त वहीं पर जो है वो रहते हैं। 4 मास रहिला सबे महाप्रभु संगे, जगन्नाथ नाना यात्रा देखे महारंगे। इस प्रकार से 4 महीने तक ये सारे भक्त महाप्रभु के संग में रहकर जगन्नाथपुरी में होने वाले अन्योन्य महोत्सवों का जो है वो आस्वादन करते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं कई सारे महोत्सव। तो इस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव वो मनाते हैं, तो एक ड्रामा किया जाता है जन्माष्टमी के समय में, एक भक्त नंद महाराज का रोल प्ले करते हैं, दूसरे भक्त यशोदा माई का रोल प्ले करते हैं, महाप्रभु उनको आदर देते हैं कान्हा के रूप में। उसी समय जो है वो अद्वैताचार्य वहाँ पर आते हैं एक लाठी लेके, और वो लाठी महाप्रभु के हाथ में दे के कहते हैं कि यदि आप इस लाठी को जोर से घुमा के दिखाएंगे तब मैं समझ जाऊँगा कि आप एक ग्वालबाल है। महाप्रभु उस लाठी को लेके जोर से घुमाते हैं, मानो कोई चक्कर घूम रहा है, अपने शरीर के आगे, शरीर के पीछे, दाई बाई और ऊपर छलांग लगा के उसे फेंक देते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। फिर सारे भक्त जो है वो हंसना प्रारंभ कर देते हैं, फिर वो सिद्ध हो जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु भी उसी प्रकार से जो है वो लीला प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, विजयादशमी महोत्सव मनाया जाता है, उस समय महाप्रभु स्वयं हनुमान का रोल प्ले करते हैं और सारे भक्तों को वानर सेना का रोल दिया जाता है, और सारे भक्त फिर इस प्रकार से जाते हैं और महाप्रभु जोर से चिल्लाते, कहाँ है वो रावण, मैं उसका आज वध कर दूंगा, माता सीता का उसने हरण किया है। तो इस प्रकार से जो है वो विजयदशमी ये मनाई जाती है, और रास यात्रा, दीपावली, सारे महोत्सव जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सारे भक्त मनाते हैं। अभी बंगाल के भक्तों का जाने का समय आ जाता है। तबे महाप्रभु सब भक्ते बोलाइला, गौड़ देशे यह सबे विदायक करीला। सारे भक्तों को महाप्रभु ने बुलाया और उनको अभी महाप्रभु विदा कर रहे हैं। सारे भक्तों को महाप्रभु कहते हैं कि आप हर साल इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में आया कीजिए, हम लोग गुंडीचा मंदिर मार्जन किया करेंगे, रथ यात्रा महोत्सव मनाएंगे और सारे महोत्सवों के पश्चात आप पुनः जो है वो प्रस्थान किया कीजिए। और सारे भक्तों को महाप्रभु आज्ञा देते हैं अलग अलग, सारे भक्तों का विशेष गुणगान करते हैं और हर एक भक्तों को अलग अलग आज्ञा महाप्रभु प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम महाप्रभु अद्वैताचार्य को बुलाते हैं, जो सर्व वरिष्ठ वैष्णव है बंगाल के,
अद्वैताचार्य को बुलाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उनका स्तवन करते हैं और अद्वैताचार्य को वो आज्ञा देते हैं। आचार्य र आज्ञा दिल करिया सम्मान, आचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। अद्वैताचार्य को महाप्रभु कहते हैं करिया सम्मान, सम्मान पूर्वक, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, उनसे उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि आचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। आचंडाल, चंडाल तक जो है वो आप कृष्ण प्रेम, सबको कृष्ण भक्ति उसका संचार कीजिए और उसे बांटिए। उसके पश्चात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ओर देखते हैं और नित्यानंद प्रभु को आज्ञा देते हैं। नित्यानंदे आज्ञा दिला यह गौड़ देशे अनर्गल प्रेम भक्ति करिह प्रकाशे। उनको क्या आज्ञा दी कि आप बंगाल में ही रहिए और अनर्गल प्रेम भक्ति, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप कृष्ण भक्ति का प्रचार बंगाल में जो है वो करते रहिए। जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ पर आप पहुँच के कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। और उन्हें दो भक्त महाप्रभु सहायता के लिए भी देते हैं, रामदास और गदाधर दास इनके नाम होते हैं। ये दो भक्त नित्यानंद प्रभु को कहते कि आपको सहायता करेंगे और आप प्रचार बंगाल में कीजिए। उसके पश्चात महाप्रभु श्रीवास ठाकुर की तरफ मुड़के हुए देखते हैं और श्रीवास ठाकुर, जो हमें पता है बंगाल में श्रीवास आंगन, वहाँ पर महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में और विश्वम्भर के रूप में कितना सारा कीर्तन किया करते थे। महाप्रभु उन्हें कहते हैं मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपके घर में जब भी कीर्तन होगा मैं वहाँ पर स्वयं रहूँगा। तुम्हार घरे कीर्तन आमी नित्य नाचिब, तुम्ही देखा पाबे आर केहना देखिब। तुम्हारे घर में जब भी कीर्तन होता है मैं वहाँ पर आके नृत्य करता हूँ, ऐसा आप समझ लो। केवल तुम मुझे देख पाओगे लेकिन बाकी कोई नहीं देख पाएगा। शिवास ठाकुर को महाप्रभु जगन्नाथपुरी का कुछ विशेष महाप्रसाद और जगन्नाथ जी के विशेष वस्त्र प्रदान करते हैं और वो कहते हैं कि ये जाके आप मेरी माँ शची इनको देना। शची माँ को मेरा दंडवत प्रणाम बोलना और मेरी ओर से माफ़ी भी मांगना। मैं पागल हो गया था और उस पागलपन में मैंने निर्णय लिया है कि संन्यास आश्रम ग्रहण करना और मैंने संन्यास लिया है, लेकिन मैं माँ से विलग कभी नहीं रह पाता और हमेशा मुझे उनकी याद आती है। और ये भी उन्हें आप बताना कि जब भी माँ तुम मेरा स्मरण करती हो उस समय मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। इस प्रकार से महाप्रभु शिवास ठाकुर को बताते हैं कि एक बार की बात है जब शची माता ने भगवान के लिए बहुत सुंदर कई सारे भोग बनाए थे और वो अर्पण किए थे, और जब अर्पण करते समय शची माता रो पड़ती है कि किस प्रकार से निमाई को भी ये यही खाद्य पदार्थ अच्छे लगते थे, उसके भी ये मनपसंद पदार्थ थे, वो यदि यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो यहाँ पर अभी नहीं है, इसलिए माँ शची रो पड़ती है। और उसी समय उन्होंने मेरा स्मरण किया तो मैं वहाँ पर उपस्थित हो गया और मैंने सारे पदार्थ खा भी लिए। और उसके कुछ समय पश्चात जब वो अपनी आंखें पोछती तो वो देखती कि वो थाली में पदार्थ नहीं है, तो वो समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है, क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं है। उसे लगता है कि शायद भगवान खा लिए, या फिर उसे लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, या फिर कोई पशु आया है और वो पशु खा गया है, या फिर उसे लगता है कि मैंने थाली में पदार्थ ही नहीं रखे हैं। तो इस प्रकार से वो देखती है कि मैंने पदार्थ तो बनाए हैं सारे। तो फिर वो अब उनका जो सेवक होता है ईशान से आज्ञा देती है कि यहाँ पे जगह की साफ सफाई करो, पुनः हम लोग जो है वो भोग लगाएंगे। इस प्रकार से पुनः माता शची ने उस समय जो है वो भोग लगाया था। तो ये लीला उन्हें आप समझाइए और बताइए कि जब भी वो याद करती है मैं वहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए प्रसाद का आस्वादन करने के लिए उपस्थित हो जाता हूँ, कृपया ये मेरा संदेश माता शची तक पहुँचाइए। इतना माँ शची से चैतन्य महाप्रभु प्रेम करते थे। और उसके पश्चात महाप्रभु राघव पंडित की ओर देखते हैं और राघव पंडित के बारे में बात करना प्रारंभ करते हैं। राघव पंडित कहेन वचन सरस, तुम्हार शुद्ध प्रेमे आई आमी हुई तुम्हार वश। राघव पंडित का बहुत ही शुद्ध प्रेम है मेरे प्रति और इसके लिए मैं इसके प्रेम में हमेशा वश हो जाता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सारे भक्तों की ओर देख के कि इस राघव पंडित का जो है वो आप प्रेम सुनिए। राघव पंडित भगवान से इतना प्रेम करता है कि
यहाँ पर इर्द गिर्द लगभग 100 से भी अधिक जो है वो नारियल के पेड़ है और उनका भोग लगाया जा सकता है। लेकिन राघव पंडित जो है वो चाहता है कि भगवान को अच्छे से अच्छा नारियल भोग लगे, इसलिए वो 20 मील दूर यहाँ से नारियल लेके आता है, उनको शीतल जल में कुछ समय के लिए रखता है और उसके पश्चात उनका भोग भगवान को लगाता है और भगवान उनका नारियल का जल पी भी लेते हैं और उसके पश्चात वो नारियल को वापस लाता है और उसके अंदर का गर निकाल के अलग से थाली में रखता है और उसका भी भोग लगाता है। भगवान कभी कभी वो नारियल की गरी भी खा लेते हैं और कभी कभी कृपावश भगवान वो नारियल की गरी वहीं पर छोड़ देते हैं, फिर भी जो है वो राघव पंडित उसका प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेता है। एक बार की बात है, उन्होंने दूर किसी एक उनके सेवक को भेजा था नारियल लाने के लिए और कहा था कि नारियल लाओ और अच्छे क्वालिटी के नारियल वहाँ पे मिलते थे, तो वो सेवक को आने के लिए थोड़ा देर हो जाती है और वो सेवक दरवाजे पर ही खड़े रहता है और शायद थका हुआ होगा तो दरवाजे पर हाथ लगा के ऐसा वो खड़ा रहता है और एक हाथ में उसने नारियल पकड़े थे और शायद उसका एक हाथ थक गया तो उसने इस हाथ में नारियल पकड़े और इस हाथ से दरवाजे को हाथ लगा के वो खड़ा हो गया। फिर जब राघव पंडित ने ये देखा तो राघव पंडित गुस्सा हो जाते हैं और राघव पंडित कहते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ से आते जाते होंगे, उनके पैरों की धूल दरवाजे पर लगी होगी और उस धूल को तूने नारियल को स्पर्श किया। उस सारे नारियल राघव पंडित ने लिए और दूर फेंक दिए और उस सेवक को कहा कि वापस जाओ। 20 मील तक उस सेवक को वापस भेजा और वापस नए नारियल मंगाए और उस नारियल को उन्होंने जो है वो भोग लगाया। तो इतना उनका हृदय शुद्ध है और भगवान की सेवा अच्छे से करना चाहते हैं ये राघव पंडित। और महाप्रभु राघव पंडित के भक्ति का भी जो है वो गुणगान कर रहे थे और कई सारी अलग अलग शाक सब्जियां ये सब भी जो है वो राघव पंडित रखता है अपने पास और भगवान को भोग लगाता है। इस प्रकार महाप्रभु राघव पंडित का गुणगान करके उनके भक्ति का बखान करके उन्हें जो है वो आलिंगन प्रदान करते हैं और उसके पश्चात महाप्रभु शिवानंद सेन इनकी तरफ देखते हैं और शिवानंद सेन को आज्ञा देते हैं कि शिवानंद सेन देखो, ये जो वासुदेव दत्त है इसका थोड़ा ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? क्योंकि ये वासुदेव दत्त है तो गृहस्थ लेकिन जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है, ये कुछ सेविंग कुछ बचत नहीं करता है, तो आप इसके फाइनेंशियल मैनेजर बन जाओ और आप इसकी जो है वो सेविंग की ध्यान रखना। क्यों ऐसा करना चाहिए? गृहस्थ होयन इहो चाहिए संचय, संचय न कैले कुटुंब भरण नहीं है। एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि कुछ धन का जो है संचय कराए, बैलेंस कुछ रखे अपने पास, इससे क्या होगा, संचय न कैले कुटुंब भरण नहीं होए। यदि कुछ संचय नहीं करेगा तो कुटुंब का भरण नहीं होगा। तो इस प्रकार से सारे गृहस्थों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि अपने जो धन अर्जित करते हैं उसका अच्छे से हमें जो है वो उसका विनियोग करना चाहिए और उसका संचय भी करना चाहिए ताकि हमारा घर गृहस्थी जो है वो अच्छे से चले रहे। क्योंकि वासुदेव दत्त ये नहीं करता था इसलिए महाप्रभु ने शिवानंद सेन से आज्ञा दी कि आप उनके जो है वो फंड मैनेजर बन जाओ। और इसके पश्चात महाप्रभु कुलीन ग्राम के जो भक्त थे रामानंद वसु सत्यराज खान आपको यदि याद है उनकी तरफ देखते हैं। और कल हमने देखा था कुलीन ग्राम वासियों को महाप्रभु ने कौन सी सेवा दी थी, आपको याद आ रही है? कुलीन ग्राम वासियों को महाप्रभु ने सेवा दी थी हर साल जगन्नाथ के लिए रथ यात्रा के लिए रेशम की डोरियां पक्की मजबूत लेके आना, क्योंकि एक रस्सी टूट गई थी उस समय महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी। तो वही आज्ञा महाप्रभु उनकी तरफ देख के दोहराते हैं। कुलीन ग्रामीरे कहे सम्मान करिया प्रत्यब्ध आसिबे यात्राएं पट्ट डोरी ला, कि पट्ट डोरी जो रेशम की डोरी है आप लेके हर साल पुरी में जो है वो इस प्रकार से आप आइए। और महाप्रभु उनके प्रेम से सत्यराज खान और रामानंद वसु इनके प्रेम से इतने आकर्षक थे, भक्ति से उनके इतने आकर्षक थे कि महाप्रभु प्रेम से उन्हें कहते हैं तुमर की कथा तुमर ग्रामेर कुकुर से मोर प्रिय अन्य जन रहो दूर। आपको तो छोड़ो, आपके गांव के कुत्ते जो है वो भी मुझे प्रिय है, बाकी लोगों का तो क्या कहना।
तो इस प्रकार से कुलीन ग्रामवासियों के प्रति महाप्रभु का जो है वो इतना सारा प्रेम वहाँ पर था। और उस समय रामानंद वसु और सत्यराज खान महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछते हैं। मध्यलीला के इस अध्याय 15 के हम लोग श्लोक संख्या 103 से अभी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं महाप्रभु से। एक गृहस्थ के लिए ये प्रश्न और महाप्रभु के द्वारा दिए गए जवाब बहुत ही आकलनीय है और अध्ययन इनका होना चाहिए। क्या प्रश्न पूछते हैं ये दोनों प्रमुख भक्त? गृहस्थ विषय आमी के मोर साधने श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। हम गृहस्थ है और विषयों के साथ हम लोग रहते हैं, हमारे लिए क्या साधना होनी चाहिए इसका थोड़ा चर्चा कीजिए, हम आपसे यह निवेदन करते हैं। प्रभु कहें, महाप्रभु तीन चीजें बताते हैं उन्हें। प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन। महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण सेवा होनी चाहिए, भगवान कृष्ण को भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, उनकी आरती करना, यह है कृष्ण सेवा। वैष्णव सेवन, वैष्णवों का सेवा करना, उनको भी प्रसाद के लिए बुलाना, ये हो गया वैष्णवों की सेवा। और निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन, और भगवान का नाम का कीर्तन सारे परिवार वालों ने एकत्रित आके करना, यह तीसरी चीज महाप्रभु बताते हैं। यदि आप गृहस्थ है तो ये तीन चीज़ें आप कीजिए, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। सत्यराज बले वैष्णव चीनी बक्के मने के वैष्णव कहतार सामान्य लक्षण। वैष्णव कौन है, हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति वैष्णव है, उसके क्या लक्षण होते हैं ये हमें कृपया बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाप्रभु अलग अलग आगे चल के भी आएगा, अलग अलग स्तरों पर इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला वैष्णव कौन है? प्रभु कहे यार मुखी सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। किसी व्यक्ति के मुख से यदि हम लोग एक बार कृष्ण का नाम सुन लेते हैं तो उस व्यक्ति को हमने वैष्णव समझ लेना चाहिए। क्यों? एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय नवविदा भक्तिपूर्ण नाम होते होय। एक बार भी यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है तो उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं और नवविदा भक्ति उसको पूर्ण करने के लिए हमें भगवान का नाम लेना ही होता है। दीक्षा पुरश्चर्य विधि उपेक्षा न करे जिह्वा स्पर्शे आ चंडाल सबारे उद्धारे। क्योंकि जो नाम है वो यह नहीं देखता है कि उस व्यक्ति की दीक्षा हुई है या नहीं हुई है, केवल जिह्वा जब स्पर्श कर लेती है नाम को उसी समय उस व्यक्ति का जो है वो उद्धार हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर 6-7 पन्नों का तात्पर्य लिखा हुआ है और कई सारे शास्त्रों से जो है वो उदाहरण उद्धृत उन्होंने किए हुए है। अनुषंग फले करे संसारे रक्षय चित्त आकर्षिया कराए कृष्णे प्रेमोदय। एक बार नाम लेने की महिमा का वर्णन करते हैं महाप्रभु। अनुषंग फले, ये तो साइड इफेक्ट है। क्या है साइड इफेक्ट? संसारे रक्षय, संसार से मुक्ति मिल जाती है, ये तो एक बाह्य परिणाम है नाम का। लेकिन जो प्रमुख वस्तु मिलती है हमें वो क्या मिलती है? चित्त आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेम उदय। भगवान कृष्ण के प्रति हमारा चित्त आकर्षित हो जाता है और प्रेम की प्राप्ति हमें हो जाती है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से ते वैष्णव करिह ताहार सम्मान। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है, एक बार भी क्यों नहीं ले रहा है, उस व्यक्ति का हमने सम्मान करना चाहिए, ऐसा महाप्रभु जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से कुलीन ग्रामवासियों को उपदेश देने के पश्चात खंड के वासी, श्रीखंड के वासी, हमें पता है श्रीखंड में रहने वाले प्रमुख भक्त जो है वो रघुनंदन, मुकुंद और नरहरि, इनकी तरफ देख के महाप्रभु कहते हैं खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि ए मुख्य तीन जन। ये तीन जन मुख्य है खंड के। देखिए बार बार ये आ रहा है मध्यलीला में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कहाँ के भक्त कौन है उनके नाम से हमें याद हो जाता है। बंगाल के भक्त कौन है तो अद्वैताचार्य है, शिवानंद सेन है, वक्रेश्वर पंडित है, नित्यानंद प्रभु, ये सब बंगाल के भक्त हैं। कुलीन ग्राम के भक्त कौन हो गए? रामानंद वसु, सत्यराज खान आदि। और श्रीखंड, श्रीखंड के तीन ही प्रमुख भक्त हैं मुकुंद, नरहरि और रघुनंदन। मुकुंद बड़े भाई है,
मुकुंद के छोटे भाई है उनका नाम है नरहरि, और जो रघुनंदन है वो मुकुंद के बेटा है। तो रघुनंदन मुकुंद का बेटा है। महाप्रभु अभी इनसे बात करना प्रारंभ करते हैं। महाप्रभु आश्चर्यचकित होकर मुकुंद की तरफ देख के कहते हैं कि मुकुंद बताओ, आप पिता है और रघुनंदन बेटा है, यह सही है, या रघुनंदन पिता है और आप पुत्र है? अभी क्यों यह प्रश्न पूछते हैं इसका वर्णन यहाँ पर नहीं है। हमारी प्रथा है, हम लोग चैतन्य चरितामृत से बाहर कुछ चर्चा नहीं करते, लेकिन एक कथा, ऐसा क्यों महाप्रभु इन्हें प्रश्न पूछा, इसकी एक छोटी सी कथा दूसरे ग्रंथ में मिलती है। तो मुकुंद जो है वो वैद्य है, राजवैद्य का कार्य करते हैं, राजा के यहाँ पे नौकरी करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, राजवैद्य के रूप में अर्जेंट उन्हें कुछ कहाँ पर जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा, उनके घर पे एक विग्रह थे कृष्ण के जिनका नाम था गोपीनाथ। तो मुकुंद ने अपने पुत्र रघुनंदन को कहा कि आज आप भोग लगा दीजिए गोपीनाथ जी को। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो विस्तार से कथा मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो रघुनंदन भगवान को भोग लगा देते हैं, माँ पूरी थाली बना देती है, रघुनंदन भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के पश्चात वहीं पर वो बैठे रहते हैं, और भोग तो वैसे के वैसे ही रह जाता है। तो रघुनंदन भगवान से कहते हैं कि भगवान आप इसे खाइए, आप खा क्यों नहीं रहे? भगवान फिर बात करना प्रारंभ करते हैं रघुनंदन से। भगवान कहते हैं कि मैंने खा लिया है बेटा, लेके जाओ इसे प्रसाद के रूप में। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे चलेगा, मुझे कैसे समझ, आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, खाइए इसे बैठ के। और मुकुंद वहीं पर रघुनंदन वहीं पर रोने लगते हैं। तो रोने लगते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान वहाँ से लड्डू लेके खा लेते हैं, और सारे लड्डू भगवान खा लेते हैं, और रघुनंदन खाली प्लेट लेके अपनी माँ के पास जाता है। और जब वो माँ को प्लेट दिखा रहा है, माँ बोलती है, माँ उसकी तरफ देख के गुस्सा हो जाती है, माँ बोलती क्या हो गया, वो कहते भगवान ने खा लिया। माँ कहती अच्छा ऐसा है, माँ उसे डांटने लगती है। और जब मुकुंद आते हैं तब कंप्लेंट करती है, शिकायत करती है कि आज हमारे बेटे ने सब कुछ खा लिया और कह रहा है कि भगवान ने खा लिया। पिताजी कहते हैं कि चलो देखते हैं, पुनः एक बार परीक्षा करते हैं, और रघुनंदन को कहते हैं कि अभी ये लाडू ले लो पुनः बनाए गए, और इन्हें भोग लगाओ भगवान का। और वो दूर से खिड़की से देख रहे होते हैं, और फिर रघुनंदन पुनः लेके जाता है और भोग लगाता है, भगवान खाइए। अभी भगवान कहते हैं मेरा पेट भर गया है, पहले मैंने खा लिया है लड्डू तूने दिया हुआ। लेकिन वो फिर से रोने लगता है, भगवान आप प्लीज़ खाइए, ये लोग विश्वास नहीं कर रहे। और भगवान फिर वहाँ पर जो है वो लड्डू पुनः ग्रहण कर लेते हैं। और फिर जो उनके माता पिता है मुकुंद और उनकी माता, वो देख के अपने बच्चे के पैर पड़ने लगते हैं और कहते हैं कि ये बेटा सही में बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए महाप्रभु ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने पैर पड़े थे अपने लड़के के। महाप्रभु इसलिए उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप पिता है और रघुनंदन बेटा है, या रघुनंदन पिता है और आप उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया मुकुंद को, तो मुकुंद जवाब देते हुए महाप्रभु से कहते हैं, अमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन होइले, अतएव पिता रघुनंदन अमर निश्चिते। रघुनंदन के कारण कृष्ण भक्ति क्या होती है ये हमें अच्छे से समझ में आ गई, इसलिए रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ। और महाप्रभु भी उसे अनुमोदन देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में हमें बताता है उसकी आयु नहीं देखनी चाहिए, उसे हमें गुरु के रूप में जो है वो तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, यह महाप्रभु वहाँ पर बताते हैं। और महाप्रभु हमेशा इस प्रकार से जो है वो अपने भक्तों का गुणगान करने में आनंद लेते हैं। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाय सुख, भक्तेर महिमा कहिते होय पंचमुख। इस प्रकार से महाप्रभु सुख आस्वादन करते अपने भक्तों का गुणगान करते हुए, मानो इस प्रकार से वो गुणगान करते हैं मानो उन्हें पांच मुख एक साथ हो। हमें यहाँ पर महाप्रभु से सीखना चाहिए कि भक्तों का गुणगान करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। महाप्रभु पांच मुख इस प्रकार से है ऐसा जो है वो गुणगान कर रहे हैं, और सारे भक्तों की तरफ देख के महाप्रभु कहते हैं कि ये जो मुकुंद है ये कितना महान भक्त है। बाहर से यदि हमें लगता होगा कि ये राजवैद्य है, राजा की सेवा करता है, लेकिन मुकुंद की महिमा सुनो। एक बार की बात है, ये मुकुंद मुस्लिम राजा उसके साथ बैठ के कुछ चर्चा कर रहा था, तो राजा का सेवक वहाँ पर आता है और एक छत्र वो राजा के सर के ऊपर पकड़ता है, और उस छत्र में जो है वो मोर पंख होता है। जैसे ही मोर पंख देखते हैं मुकुंद, तब मुकुंद तुरंत कृष्ण प्रेम के आवेश में आ जाते हैं और वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होकर वो नीचे आके जमीन पर गिर जाते हैं। तो जैसे ही नीचे गिर जाते हैं, राजा वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि आपको क्या हो गया। तो मुकुंद जब बाहरी चेतना में आते हैं तो मुकुंद कहते हैं कि मुझे
जो है वो मृगी करके एक रोग हुआ है, मृगी ये एक बीमारी है जिसके कारण मैं ऐसा बीच बीच में जो है वो गिर जाता हूँ। तो राजा जो है वो समझ जाता है ये तो भगवान के बड़े भक्त है इसके कारण ये सब हुआ है। तो इस प्रकार से महाप्रभु मुकुंद का गुणगान करते हैं और रघुनंदन उनका बेटे का भी गुणगान करते हैं कि ये रघुनंदन भी कितना बड़ा भक्त है, भगवान ने इनके हाथ से लड्डू भी खाए और ये कृष्ण की निरंतर सेवा करता रहता है और कृष्ण को फूल जो है वो अपने बगीचे से लाके अर्पण करके कृष्ण सेवा में ये निरंतर रत रहता है। इस प्रकार से रघुनंदन का भी गुणगान करते हैं और महाप्रभु इन तीनों को, मुकुंद, उनके भाई नरहरि और मुकुंद का बेटा रघुनंदन, इन तीनों को विशेष आज्ञा प्रदान करते हैं। मुकुंदे रे कहे पुनः मधुर वचन, तुम्हारे कार्य धर्मे धन उपार्जन। मुकुंद को सबसे पहले आज्ञा देते हैं कि धर्म से धन का उपार्जन करो। ये तीनों आज्ञाएं भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं गृहस्थों के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहला मुकुंद को आज्ञा देते हैं कि करे धर्म धन उपार्जन, ईमानदारी से धन का अर्जन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भाषांतर में लिखा है कि आध्यात्मिक धन संपत्ति और भौतिक धन संपत्ति दोनों को एक भक्त ने अर्जित करना चाहिए। रघुनंदन कार्य कृष्ण रस सेवन, रघुनंदन को आज्ञा दी कि तुम हमेशा कृष्ण की सेवा में रत रहो। नरहरि रहु अमर भक्तगण सने, यही तीन कार्य सदा करह तीन जने। और नरहरि को आज्ञा दी कि हमेशा मेरे भक्तों के संग में रहना और कृष्ण भावना का प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीन भक्तों को महाप्रभु ने इस प्रकार तीन अलग अलग आज्ञाएं दी और उसका यदि हम लोग विभाजन करके देखें तो एक को, रघुनंदन को, मंदिर में पूजा की कार्य आज्ञा दी। दूसरा जो है वो मुकुंद, उन्हें आज्ञा दी कि ईमानदारी से धन को अर्जन करना चाहिए। और तीसरा है नरहरि, उनको आज्ञा दी कि आपने जो है वो कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं ये तीन कार्य देखने के लिए अलग अलग लगते हैं लेकिन यदि कृष्ण को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए तो तीनों भी है वो एक कार्य जैसे ही है, ऐसा हमने समझना चाहिए। उसके पश्चात महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके एक भाई होते हैं विद्या वाचस्पति, इनकी तरफ देख के कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान ब्रह्म दो रूप में अवतरित हुए हैं, एक है दारु ब्रह्म और दूसरे है जल ब्रह्म। दारु ब्रह्म के रूप में भगवान जो है वो जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ पर नीलाचल में स्थित है और जल ब्रह्म के रूप मतलब गंगा नदी के रूप में भगवान जल ब्रह्म के रूप में जो है वो प्रवाहित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु इन दो भक्तों को, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके भाई विद्यावाचस्पति को, इन दो ब्राह्मण की सेवा में लगाते हैं। सार्वभौम कर दास ब्रह्म आराधन, दारु ब्रह्म का आराधन, वाचस्पति कर जल ब्रह्मेर सेवन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को दारु ब्रह्म की सेवा दी गई मतलब जगन्नाथ जी की सेवा और विद्यावाचस्पति इनको जल ब्रह्म मतलब गंगा माता की सेवा जो है वो अर्पण की गई। इस प्रकार से महाप्रभु अभी मुरारी गुप्ता की ओर देख रहे हैं और मुरारी गुप्ता का गुणगान महाप्रभु प्रारंभ कर देते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि सारे भक्तों को बता रहे हैं, इस मुरारी को मैंने कृष्ण की महानता बताई, कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण सारे रसों के आगार है, कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण है। मैंने इसे कहा कि तुम कृष्ण भक्ति में लग जाओ, कृष्ण का नाम का जप करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का कीर्तन करो। और ये घर गया और इसने बहुत सारा प्रयास किया, ये मुरारी ये राम का भक्त है, ये कृष्ण की भक्ति के बारे में सोच भी नहीं सका। रात भर उसने प्रयास किया लेकिन ये रात भर रोता रहा और फिर दूसरे दिन मेरे पास आके इसने कहा कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, एक तो मैं राम की भक्ति छोड़ नहीं पा रहा हूँ और ये आपकी आज्ञा है कि कृष्ण की भक्ति करो, ये मेरे से नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ अभी मैं मेरा जीवन त्याग दूँ। इस प्रकार से ये मेरे पास आया और महाप्रभु कहते हैं कि मेरा मन इसने द्रवित कर दिया, कैसा ये प्रभु राम जी का बड़ा सेवक है। ए मत सेवक के रब प्रीति चाहि प्रभु पाए, प्रभु छाड़ाई लेह पद छाड़ह न याय। इस प्रकार की प्रीति
एक साधक में होनी चाहिए, महाप्रभु हम सबको सिखा रहे हैं, एक साधक में इस प्रकार के भगवान के प्रीति चाहिए प्रभु पाए, भगवान के चरणों में इस प्रकार की प्रीति होनी चाहिए। एक साधक में यदि भगवान भी कहे कि इसे छोड़ दो तो भी छोड़ना नहीं चाहिए, इस प्रकार की प्रीति हमारी होनी चाहिए। और महाप्रभु कहते हैं कि मुरारी ये तो साहजिक है आपकी प्रभु रामचंद्र जी के प्रति प्रीति, क्योंकि आप स्वयं साक्षात हनुमान जी है, इसलिए आप में ये दिव्य प्रेम प्रभु राम जी के प्रति है। इसके पश्चात महाप्रभु वासुदेव दत्त की तरफ देखते हैं, उसे आलिंगन करते हैं, और जब आलिंगन करते हैं तो वासुदेव वहाँ पर नीचे गिर जाता है और उठकर महाप्रभु से कहता है कि महाप्रभु मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया इस निवेदन को पूरा कीजिए, आप पूर्ण पुरुषोत्तम है और आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, कृपया मेरा एक निवेदन आप सुन लीजिए और उसकी पूर्ति कीजिए। क्या है निवेदन? जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे। जब मैं जीवों का दुख देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और उस दुख को मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए सारे लोगों के दुख आप मेरे सिर पर डाल दीजिए। महाप्रभु सोचे होंगे अरे सारे लोगों के पाप यदि तुम्हारे सिर पर डाल देंगे तो तू नर्क में जाएगा। जीवेर पाप ला मुई करो नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु घुचाओ नरक भोग। सारे लोगों के दुख और पाप लेके मेरे सिर में डाल के मैं अनंत काल तक नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, यदि इन बद्ध जीवों का नरकवास यदि चुकता हो रहा है तो। महाप्रभु का मन अतिशय द्रवित हो जाता है जब वो इस प्रकार से दूसरों के प्रति प्रेम और कंपैशन करुणा उनके हृदय में देखते हैं और वह कहते हैं कि कृष्ण जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कृष्ण से ही सत्य करे यही मांगे, भृत्य भृत्य वांछा पूर्ति विनु नहीं अन्य कृत्य। देखिए कविराज गोस्वामी की कितनी सुंदर रचना है, भृत्य कृत्य। जो कृष्ण है उनका काम ही एक है कि अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करना, अन्य उन्हें कुछ काम नहीं है, केवल एक ही कार्य वो करते रहते हैं। जिस प्रकार से महाप्रभु उदाहरण देते हैं, औदुम्बर के वृक्ष को कितने सारे फल लगते हैं, उसमें से एक फल यदि वहाँ से निकल के दूर चला जाए तो उस फल को कुछ हानि, उस वृक्ष को कुछ हानि नहीं होती। उसी प्रकार से इस कारण सागर में कितने सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड का उद्धार करना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण यदि आपकी इच्छा है तो कृष्ण जरूर पूरी करेंगे हे वासुदेव। और इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो सारे भक्तों को स्तुति करके उनका आलिंगन जो है वो कर रहे थे। प्रभु रविच्छेदे भक्त करे न रोदन, भक्त रविच्छेद प्रभुर विषण होइल मन। क्योंकि दोनों का अभी विलाप विरह हो रहा था, दोनों को एक दूसरे का विरह सहन नहीं हो रहा था। भक्त करे न रोदन, सारे भक्त रो रहे थे क्योंकि महाप्रभु से विरह हो रहा था, और प्रभु विषण हैल मन, महाप्रभु का मन भी जो है वो विषण हो रहा था क्योंकि अभी सारे भक्त यहाँ से दूर जा रहे हैं। सारे बंगाल के भक्त इस प्रकार से चले जाते हैं लेकिन एक भक्त वहीं पर रुक जाते हैं, उनका नाम था गदाधर दास और गदाधर पंडित। गदाधर पंडित को महाप्रभु यमेश्वर करके एक जगह है जगन्नाथ मंदिर के नज़दीक, वहाँ पर स्थान दिए। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से गदाधर पंडित जो है वो तोटा गोपीनाथ इनकी सेवा में रत रहते थे, और आगे उसका वर्णन आएगा महाप्रभु वहाँ पर जाके कौन कौन सी लीलाएं वहाँ पर करते थे। उसे यमेश्वर टोटा इस नाम से भी वो जगह जानी जाती है, तो गदाधर पंडित को वहाँ पर जो है वो जगह प्रदान कर दी जाती है। सारे भक्त चले गए, अभी सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पर आते हैं और महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रण देते हुए कहते हैं कि महाप्रभु महीने में 30 दिन आप मेरे घर पर प्रसाद के लिए आया कीजिए। तो 30 दिन प्रसाद के लिए आया कीजिए, महाप्रभु कहते हैं कि महीने में तो 30 ही दिन होते हैं, तो अगर 30 दिन आप आ सकते हैं क्योंकि अभी कोई भक्त भी नहीं है, सारे बंगाल के भक्त चले गए, आप मेरे घर 30 दिन प्रसाद के लिए आए। महाप्रभु कहते हैं कि देखो ये संन्यास धर्म का मेरा नाश करने के लिए तू बैठा है, 30 दिन तो असंभव है। वो कहते हैं फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कम से कम 20 दिन तो आपको आना होगा। बिल्कुल नहीं, मेरे संन्यास धर्म का नाश हो जाएगा। फिर सार्वभौम कहते हैं 15 दिन तो आप कम से कम आइए आइए। महाप्रभु कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, अशक्य बात तू कह रहा है, महीने में मैं 1 दिन आपके घर प्रसाद के लिए जरूर आया करूँगा। सार्वभौम कहते हैं कि महाप्रभु कैसे। फिर इस प्रकार से दोनों का वार्तालाप होता है और समझौता हो जाता है कि महीने में 5 दिन
जो है वो महाप्रभु प्रसाद के लिए सार्वभौम के घर पे जाएंगे। तो सार्वभौम कहते हैं कि ठीक है, 5 दिन आप आएंगे, कुछ दिन आप स्वरूप दामोदर के साथ आइए, कुछ दिन आप अकेले आइए, फिर किस अन्य 5 दिन मैं स्वरूप दामोदर को प्रसाद के लिए बुलाऊंगा, और अन्य दिन फिर दो दिन मैं दूसरे सारे सन्यासियों, परमानंदपुरी है, ब्रह्मानंद भारती है, इन सबको मैं दो दिन बुलाऊंगा, इस प्रकार से मेरा महीना बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारा महीना उन्होंने बुक कर लिया अपना, महाप्रभु 5 दिन के लिए वहाँ पर तय हो गए, महाप्रभु ने अनुमति दे दी। जैसे ही यह खबर महाप्रभु अपनी पत्नी को देते हैं, उनकी पत्नी प्रेमावेश में होकर बहुत खुश हो जाती है कि महाप्रभु हमारे घर प्रसाद के लिए आएंगे। उनकी एक लड़की थी शाठी, इसलिए उनका नाम था शाठीर माता। देखिए चैतन्य चरितमृत हमें एक सभ्यता, एक कल्चर भी सिखा रहा है कि किस प्रकार से महिलाओं के नाम नहीं लिए जा रहे हैं। कि कई 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 कितने सारे भक्तों का हमने अभी तक वर्णन देखा कि गिने चुने भक्तों की पत्नियों के नाम हमें यहाँ पर पता है, बाकी किसी की पत्नियों के नाम हमें पता नहीं है। सर्व मट्टाचार्य की पत्नी, उन्हें हमेशा शाठीर माता कही के ही यहाँ पर बुलाया गया है। तो जब शाठीर माता को समझ में आ जाता है कि फिर वो तुरंत स्वयंपाक करना, तुरंत खाना बनाना जो है वो प्रारंभ कर देती है, और सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें मदद कर रहे हैं। अपनी भट्टाचार्य करे पाके रसब कर्म, शाठीर माता विचक्षणा जाने पाक मर्म। सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी गृहिणी को घर कार्य में मदद कर रहे हैं। सारे गृहस्थों को ये सीखना चाहिए कि गृहस्थ होके वो अपनी पत्नी को मदद कर रहे हैं, और शाठीर माता उनका क्या लक्षण है, विचक्षणा, वो अनुभवी है, जाने पाक मर्म, सारी पाक कला में निपुण है, और उन्होंने प्रारंभ किया है भोजन बनाना। सारे कई सारे पकवान बनाए गए, कई सारी तरकारी सब्जियां, कई सारे आचार मिष्टान्न, कविराज गोस्वामी ने 10 पन्नों में उन सारे पकवानों का वर्णन किया है, और इस प्रकार से वो कहते हैं कि मानो राइस भात के पहाड़ बने हुए हैं और उनके ऊपर घी डाला गया है और वो घी की नदियां वहाँ उस पहाड़ों से बह रही है। इस प्रकार से जो है वो सुंदर वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। महाप्रभु जब पधारते और देखते वो आश्चर्यचकित हो जाते। महाप्रभु कहते इतना सारा भोजन, शत चुलाए शत जन पाक यदि करे तबु शीघ्र एतद्रव्य रांधीते ना पारे। 100 लोग यदि 100 चूल्हे के ऊपर यदि खाना बनाए तो भी इतने कम समय में इतना भोग नहीं बन सकता, और मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर तुलसी मंजरी रखी गई है, इसका अर्थ आपने इसका भगवान कृष्ण को भोग लगाया हुआ है। कितने भाग्यवान हो आप कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण का भोग लगा के आप प्रसाद ग्रहण करते हैं। भाग्यवान तुम्हें सफल तुम्हारा उद्योग, राधा कृष्ण लगाना छ एतादृश भोग। भगवान को आप भोग लगा रहे हैं, आपका सारा उद्योग यहाँ पर सफल हो गया है। सारा उद्योग, केवल स्वयंपाक का उद्योग नहीं, सारा उद्योग, जो भी आप गृह कार्य कर रहे हैं, बाहर जाके धन अर्जित कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसकी सफलता इसमें है कि भगवान को भोग लगाया जाए। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं यदि मुझे बिना भोग लगाए कोई व्यक्ति ग्रहण करता है अन्न, तो वो पाप ही ग्रहण करता है। इसलिए हमें भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इतना सारा मैं नहीं खा सकता। चैतन्य महाप्रभु को अलग रूम में बिठा के उनके सामने जब थाली रखी गई तो वो कहते कि इतना सारा भोजन मैं नहीं खा सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि वाह रे वाह, जगन्नाथ के रूप में आप 52 बार भोग खा लेते हैं, उस समय खा सकते हैं, और अभी कह रहे नहीं खा सकते। द्वारका में जब आप होते हैं, 16,000 रानियां 16,000 महलों में आपको इतना अच्छे से भोग लगाते, तब आप उसे नहीं कहते नहीं खा सकते। गोवर्धन पर्वत के रूप में जब आपको भोग लगाया गया था, कितना सारा भोग आपने खा लिया था, आप बिल्कुल मत कहिए, चुपचाप खा लीजिए। प्रेम के वश सार्वभौम भट्टाचार्य का इतना प्रेम है तो महाप्रभु खाना प्रारंभ कर देते हैं, और उसी समय उनका जामाता, जो उनकी लड़की थी शाठी, उसका एक पति मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद, उसका नाम है अमोघ, अमोघ वहाँ पर आ जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य लाठी लेके दरवाजे पर ही खड़े थे कि इस अमोघ को घर के अंदर नहीं आने दे, क्योंकि ये अमोघ बड़ा निंदक था, यहाँ पे आके कुछ महाप्रभु की निंदा न कर दे, इसलिए वो वहाँ पर दरवाजे पर ही खड़े थे। लेकिन अचानक जब वो परोसने के लिए गए वहाँ पर लाठी छोड़ के, तब वहाँ पर अचानक अमोघ वहाँ पर आया, और अमोघ क्या करता है,
हेना काले अमोक भट्टाचार्य र जा माता कुलीना निंदक ते हो शाठीर कन्यार भरता। शाठीर जो उनकी कन्या थी उसका पति अमोक वहाँ पर जो है वो आ जाता है और अभी सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद वितरण कर रहे महाप्रभु को, इसलिए वो दरवाजे में आ गया और कुछ बात बोलने लगा। एई अन्य तृप्त है दस बारह जन अकेला सन्यासी करे एतेक भक्षण। दस बारह लोग इसमें खा सकते हैं, अकेला सन्यासी इसको खा रहा है, देखो कैसी बात है, कैसी विडंबना है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर देखते हैं कि अमोक आया हुआ है, वो वहां कर भी जो लाठी लेके वो दरवाजे में खड़े रहते, वो लाठी नीचे छोड़ी थी क्योंकि अभी महाप्रभु को सर्विंग कर रहे थे, वो लाठी उठा के भागते हैं। अमोक वहां से जोर से भाग निकलता है, अमोक भाग निकला, सार्वभौम भट्टाचार्य उसके पीछे अभी भाग रहे, लाठी गाली देते, कमीना कुत्ता इस प्रकार से जोर से चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे भागते जाते हैं। और शाठीर माता यहाँ पर अपना सर कुपीट रही है कि काश 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 मेरी बेटी विधवा हो जाए, काश शाठी विधवा हो जाए, मतलब वो शाप दे रही थी कि ये अमोक अभी मर जाए। तो इस प्रकार से महाप्रभु वहां पर हंसकर ही जो है वो बैठे हुए हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य अमोक को पकड़ नहीं पाए इसलिए भागते भागते वापस आ जाते हैं और महाप्रभु को सेवा प्रारंभ कर देते हैं और महाप्रभु उनकी सांत्वना करते हैं कि मैंने तो उसका अपराध लिया ही नहीं है, आप चिंता मत करो। और महाप्रभु कैसे तो खाना उनका पूरा कर देते हैं और हाथ भी धोने के पश्चात फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि शायद मैंने आपकी निंदा करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें, और रोने लगते हैं। फिर महाप्रभु को छोड़ने के लिए जा रहे हैं सार्वभौम, महाप्रभु के घर तक जाते समय वही बात कर रहे हैं कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, आपकी निंदा हुई। महाप्रभु उनको समझा रहे हैं कि यार चिंता मत करो, मैंने कुछ अपराध नहीं लिया है। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को छोड़कर पुनः घर पर आते हैं और शाठी माता से कहते हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि उस अमोक की जान ले लो या फिर मैं जान दे दूं, लेकिन दोनों असंभव है क्योंकि दोनों ब्राह्मण है, तो क्योंकि ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। जाओ जाके जल्दी से शाठी को कहो कि अपने पति को त्याग कर दे, पतित हुए पति का त्याग किया जा सकता है ऐसा शास्त्र बताते हैं, जाओ जाके तुरंत कहो। और इस प्रकार से जो है वो दोनों घर में बैठे है। उस रात अचानक क्या हो जाता है, जो अमोग वहां से भाग गया है, सही रात्रे अमोक कहाँ पला आ गेला, प्रातः काले तार विसु चीका व्याधि वहिला। जो भाग गया था उसी रात को जब सुबह जब उठ जाता है अमोक को विसु चीका व्याधि, इसका अर्थ है कॉलरा उसे हो जाता है, एक संक्रामक रोग जो है वो उसे हो जाता है। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य इनको पता चल जाता है, वो तालियां बजाने लगते हैं, वाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मेरी इच्छा थी वही हुआ और दैव मेरी इच्छा पूर्ण कर रहा है, उसने अपराध किया था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, उस अपराध का फल उसे मिलना ही चाहिए। और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत खुश हो जाते हैं। और एक बार की बात है, उसी दिन जब गोपीनाथ आचार्य, हमें पता है गोपीनाथ आचार्य, मैंने आपको बताया था गोपीनाथ आचार्य कौन है, गोपीनाथ आचार्य की बहन सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी है, तो जो शाठी माता है वो गोपीनाथ आचार्य की बहन है। तो एक बार गोपीनाथ आचार्य अभी महाप्रभु के दर्शन के लिए जब आए थे तब महाप्रभु पूछते हैं क्या समाचार है, तो गोपीनाथ आचार्य समाचार बताते हैं कि अमोक को कॉलरा हुआ है और वो मरणासन्न अवस्था में है, अभी कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी और सार्वभौम भट्टाचार्य और शाठी माता दोनों उपवास कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके अच्छे से नहीं सेवा की पाई। महाप्रभु सब कार्य अपने हाथ का छोड़ देते हैं और वहां से भागते 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 तुरंत अमोक के घर पे महाप्रभु जो है वो पहुंच जाते हैं। अमोक के छाती के ऊपर महाप्रभु हाथ रख के कहते हैं कि अरे तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण के हृदय में भगवान का निवास होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, तूने मात्सर्य को और वैष्णव की निंदा को तूने अपने हृदय में स्थान दिया है, उसको छोड़ो और भगवान का नाम लो, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य का संग तूने किया हुआ है, तेरे सारे कलमश जो है वो दूर हो गए हैं और सारे कलमश दूर होने के कारण तू अभी भगवान का नाम ले सकता है, उठो भगवान का नाम लो। उठ अमोग तुम्हें लो कृष्ण नाम अचिरे तुम्हारे कृपा करीबे भगवान, उठ के तुम अभी भगवान का नाम लो और जरूर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी।
सुनी कृष्ण कृष्ण बलि अमोघ उठिला, प्रेमोन्मा दे मत हाँ नाचिते लागिला। जैसे ही उसने सुना कृष्ण कृष्ण अमोघ, छलांग लग कर उड़ गया, वहां पर मरणासन्न अवस्था से वो उड़ जाता है और कृष्ण कृष्ण कह के वो नृत्य करने लगता है और प्रेम में जो है वो आवेशित होके दिव्य भाव वहां पर प्रस्तुत करता है और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और वहां पर उठकर अपने गाल के ऊपर जोर जोर से पीटने लगता है। यही मेरा मुख है जिसने आपकी निंदा की, यही मेरा मुख है जिसने आपकी निंदा की। गोपीनाथ आचार्य वहां पे आके उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसकी सांत्वना करते हैं कि बस कर, अभी आपको महाप्रभु की कृपा मिल गई है। महाप्रभु तुरंत अमोक से कहते हैं कि अरे तू तो सार्वभौम भट्टाचार्य इनका संबंधी है, जामाता है। सार्वभौम भट्टे दास दासी ये कुकुर सेह मोर प्रिय अन्य जन रहो दूर। अरे कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो गृहे दासे दास दासी ये कुकुर, इनके घर में मैं जो दास दासी और कुत्ता भी जो है ना वो भी मुझे प्रिय है, बाकी जनों को तो छोड़ दो और तू तो इनका संबंधी है, तुझे तो मैं जरूर कृपा कर दूंगा। महाप्रभु ने अमोक को दो आज्ञा दी। हम सब भक्तों के लिए दो आज्ञाएँ बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु ने कहा इसके बाद कभी चल के भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना और दूसरा निरंतर भगवान कृष्ण का नाम लेते रहना। ये दो चीज तू करेगा तो भगवान की कृपा अवश्य तुम्हारे ऊपर जरूर हो जाएगी। और अमोक का इस प्रकार से उद्धार करने के पश्चात अभी महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं। पहले महाप्रभु जो अमोक भाग के जब जहां गया था वहां पर जाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं, केवल गोपीनाथ आचार्य होते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य के सामने महाप्रभु ने कृपा दी, अभी महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को लेके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर आ जाते हैं क्योंकि वो उपवास कर रहे थे। महाप्रभु कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य और शाठी माता से, अरे आपका तो ये बालक के समान है अमोघ, आप क्यों इतना रोष कर रहे हैं, आप क्यों इतना उपवास कर रहे हैं, चलो जल्दी जाके नहा लो, जगन्नाथ जी का दर्शन करो और यहाँ पर प्रसाद पाओ, और जब तक आप आ नहीं जाते तब तक मैं यहीं पर बैठ के आपकी राह देखूंगा और आप प्रसाद मैं आपको खिलवा कर ही रहूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु कृपया आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से जाइए, हम लोग साथ में जाते हैं, लगे तो हम लोग स्नान करके जरूर जो है वो प्रसाद पा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य की तरफ देख के कहते हैं कि गोपीनाथ आचार्य आप यहीं पर रुकिए और इनका प्रसाद लेने के पश्चात मुझे सूचित कर दीजिए, तो जब तक सूचना नहीं मिलेगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य नदी में समुद्र में जाके स्नान करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन लेते हैं और घर में आके प्रसाद लेते हैं और महाप्रभु को जब यह सूचना मिलती है तब महाप्रभु जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इस अध्याय में मैंने क्या क्या बताया है। इस अध्याय में सबसे पहले मैंने बताया है कि सार्वभौम भट्टाचार्य इनका प्रेम कितना है महाप्रभु के प्रति, क्योंकि महाप्रभु कहे कि सार्वभौम भट्टाचार्य इनका घर का कुत्ता दास दासियां सब भी मुझे प्रिय है, तो ये पहला सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रेम। दूसरा मैंने बताया शाठी माता का भगवान के प्रति कितना प्रेम था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उनके जामाता ने जो है वो निंदा की है महाप्रभु की, तो वो कही थी कि मेरी बेटी विधवा हो जाए तो भी चलेगा, तो इतना महाप्रभु के प्रति प्रेम जो है वो शाठी माता के हृदय में है, तो ये शाठी माता का प्रेम मैंने बताया। और तीसरा महाप्रभु की कृपा मैंने बताई है कि कितने महाप्रभु कृपालु हैं कि अपने निंदक जो है वो उसके प्रति भी महाप्रभु प्रेम जताते हैं। और चौथा चीज़ मैंने बताई है कि वो ये है कि यदि भक्त के साथ किसी का संबंध होता है तो उसे जरूर कृपा मिल सकती है, क्योंकि अमोघ जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य का संबंधी था, उनके साथ उनका संबंध था। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि किसी शुद्ध भक्त के साथ हम हमारा संबंध हमारा संपर्क बनाए रखते हैं तो हमारा उद्धार जरूर हो सकता है। तो ये चार चीज़ें मैंने इस अध्याय में बताई है, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य का भगवान के प्रति प्रेम, शाठी माता का भगवान के प्रति प्रेम, महाप्रभु की कृपा और भगवान के भक्तों क्या संबंध की महिमा, इसका भी मैंने वर्णन किया है। और हम सबको आशीर्वाद देते हुए इस अध्याय के अंत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा करे ए लीला सुने ये जन
आज रात पाई से ही चैतन्य चरण श्रद्धा पूर्वक जो भी कोई व्यक्ति इस लीला को सुनता है तो क्या होगा, अचिरात पाए से ही चैतन्य चरण, बहुत जल्दी उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के चरण जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये लीला यहाँ पर होती है। और इस अध्याय 15 इसका पहला श्लोक जो हम लोग हमारी प्रथा जो चलती है संपूर्ण लीला के पश्चात कविराज गोस्वामी जो पहला श्लोक बताए हैं उसे हम लोग निष्कर्ष में हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला श्लोक रचना की है कविराज गोस्वामी ने, सार्वभौम गृहे भुंजन स्वनिंदकम अमोघकम अंगिम कुर्वन स्फुटाम चक्रे गौरह स्वाम भक्त वश्यताम। सार्वभौम गृहे भुंजन, सार्वम भट्टाचार्य के घर पर महाप्रभु ने भोजन स्वीकार किया। सार्वभौम गृहे भुंजन स्वनिंदकम अमोघकम, और जो महाप्रभु की जो निंदा की थी अमोघ ने, जो सार्वम भट्टाचार्य इनका जामाता था, अंगीकुर्वन उसको भी महाप्रभु ने अंगीकार किया और स्फुटाम का अर्थ है प्रकट किया। क्या प्रकट किया, उसको अपना अंगीकार करके अपना पार्षद के रूप में बना लिया। गौरह स्वाम भक्तवश्यताम, किसने अंगीकार कर लिया, स्वयं गौरांग महाप्रभु ने। क्यों अंगीकार कर लिया, भक्त वश्यताम, क्योंकि महाप्रभु अपने भक्तों के वश में होते हैं और भक्तों के वश में होने के कारण जो भी भक्तों के प्रिय होते हैं उन सब के ऊपर महाप्रभु कृपा करते हैं। जैसे महाप्रभु ने कुलीन ग्रामवासियों को भी कहा था कि आपके घर के आपके गांव के कुत्ता और दास दासी भी मुझे प्रिय है, महाप्रभु आगे चल के श्रीवास ठाकुर से भी कहेंगे कि श्रीवास आंगन में आपके घर के जो दास दासियाँ वो है वो भी मुझे जो है वो प्रिय है। इस प्रकार से हम भी यदि भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में रहेंगे तो हमारे लिए आशा बन जाती है कि महाप्रभु हमारा जो है वो अंगीकार करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है। अभी महाप्रभु कई साल हो गए वृंदावन अभी तक गए नहीं है। हमें पता है पहले संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, महाप्रभु का पहला प्रयास वृंदावन जाना था, लेकिन नित्यानंद प्रभु छल पूर्वक उन्हें अद्वैताचार्य के घर पे लेके जाते हैं। मध्य लीला अध्याय 3 में हमने उसकी चर्चा की है। अभी महाप्रभु पुनः वृंदावन जाने की इच्छा अपने भक्तों को प्रकट करते हैं तो अभी वृंदावन महाप्रभु के साथ कौन जाएगा, और महाप्रभु का अभी यह दूसरा प्रयास है वृंदावन जाने का, क्या वो सफल हो पाएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे कल के सत्र में। केवल और एक छोटी सी चीज़, कई भक्तों को अध्ययन करते करते समय चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट में प्रश्न उनके मन में उपस्थित हो रहे हैं, तो हम सोचे कि हम लोग थोड़ा सा समय यदि प्रश्नोत्तर के लिए भी रख सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक भक्त ने पूछा था, मैंने सोचा उसका जवाब यदि हम सबको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आदि लीला के 10वां अध्याय, जिसके हमने विस्तार से चर्चा नहीं की थी, 10वां अध्याय आदि लीला को यदि आपको याद है कि वो है भक्ति कल्प वृक्ष की चैतन्य शाखा, चैतन्य महाप्रभु के भक्त, उसमें वर्णन आया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार से भक्तों को कृपा करते थे, साक्षात, आवेश और आविर्भाव, इन 3 रूप में कृपा करते थे। तो भक्तों को इसमें जो है वो संशय है कि ये 3 कैसे अलग अलग समझे, तो बहुत आसान है। साक्षात कैसे कृपा किया करते थे महाप्रभु, जब इनके साथ साक्षात रूप में महाप्रभु निवास करते थे वो है उनकी साक्षात कृपा। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हो गए और स्वरूप दामोदर हो गए, रामानंद राय हो गए, इनको महाप्रभु ने साक्षात मिलकर कृपा प्रदान की, वो है महाप्रभु की साक्षात कृपा। दूसरा है महाप्रभु का आविर्भाव, आविर्भाव मतलब वहाँ पर प्रकट हो जाना, महाप्रभु वहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर उनकी उपस्थिति का अनुभव होना, ये है महाप्रभु का आविर्भाव के रूप में कृपा देना। जैसे हमने अभी देखा श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास आंगन में जहाँ पर आप कीर्तन करते हैं वहाँ पे आप समझ लो कि मैं आके नृत्य कर रहा हूँ। हालांकि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में स्थित है लेकिन उनका वहाँ पर आविर्भाव हो रहा है। जैसा शची माता के यहाँ पर घर पर महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है लेकिन यहाँ पर आविर्भूत होकर प्रसाद का आस्वादन कर रहे हैं, वो है आविर्भाव। और तीसरा है आवेश। ये आवेश क्या है, जैसा हम लोग देखते हैं ना शक्त्यावेश अवतार,
व्यासदेव, चतुष कुमार, ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। मतलब भगवान इन्हें शक्ति संचारित कर देते हैं जिससे वो अगला कार्य कर सकते हैं, और इसलिए महाप्रभु का एक आवेश का अवतार है, उन्हें माना जाता है नकुल ब्रह्मचारी। इस नकुल ब्रह्मचारी में एक बार, एक गांव है बंगाल में जहाँ पर नकुल ब्रह्मचारी के रूप में महाप्रभु अपना आवेश डाल दिए थे। आवेश करते हैं अपने स्वयं को डाल देते हैं, जैसा जैसा कोई किसी व्यक्ति के शरीर में भूत संचारित हो जाता है उसे कहते हैं आवेश। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भूत के रूप में, उस नकुल ब्रह्मचारी के रूप में आए थे। उसका शरीर का रंग महाप्रभु के जैसा हो गया था और महाप्रभु के तरह ही वो पागल होकर नृत्य कर रहा था, और जिन जिन को वो देखता था वो भक्त बन जाते थे। तो इस प्रकार से जो है वो ये आवेश है महाप्रभु का। तो अभी जो हम मध्य लीला की चर्चा कर रहे हैं इसमें कई सारे भक्तों का वर्णन है, कई सारे भक्तों के संबंध हमें समझ में आ रहे हैं। तो आदि लीला के जो 10वें और 11वें अध्याय हमने विस्तार से चर्चा नहीं की है, यदि आपको याद है। हमने केवल कहा था कि बंगाल के भक्तों का वर्णन है, पुरी के भक्तों का वर्णन है, कुलीन ग्राम के भक्तों का वर्णन, कहाँ से कहाँ तक ये ब्रीफ में बताया था। लेकिन अभी जो हम लोग मध्य लीला चर्चा कर रहे हैं तब जाके आपका आदि लीला का वो 10वां और 11वां अध्याय अच्छे से हो सकता है यदि आप उसे ठीक से पढ़ें। तो ये सारे, जैसे मैंने मुकुंद, नरहरि और रघुनंदन इनका संबंध बताया, वो संबंध आपको जो है वो आदि लीला के 10वें 11वें 12वें अध्याय में काम में आएगा। तो यदि आपको भी ऐसे आदि लीला पढ़ते समय कुछ प्रश्न आपके मन में उपस्थित हो रहे हैं तो आप जिस भी फोरम में आप इन सत्रों को सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं या फेसबुक में सुन रहे हैं, तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आज के सत्र में हम यदि कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि सबको उसके उत्तर लाभदायक होने वाले हैं या प्रश्न रास्त है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग चुन के हमारे अगले दिन उनका जवाब देने की व्यवस्था जो है वो करेंगे, या फिर हम लोग उसका ऑडियो जवाब देके आपको भेजने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। कृपया यह प्रश्न व्यक्तिगत रूप में मत पूछें, उससे जो है वो सेवा में व्यत्यय आता है। तो आपसे निवेदन है, आपके मन में यदि कोई प्रश्न है और यदि बहुत ज्वलंत प्रश्न है तो आप व्यक्तिगत भी डाल सकते हैं, लेकिन इन जो फोरम्स है यूट्यूब और फेसबुक, यहाँ पर आप कमेंट्स सेक्शन में आप डाल देंगे तो हमारी टीम सोशल मीडिया की वो उसे एकत्रित करके मेरे पास दे देगी, और फिर जो रास्त प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग जो है वो चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।